अभी आए थे हम लोग गंगा बैराज और थोड़ा सा आज धूप निकली हुई है, थोड़ा सा घूम रहे हैं, मतलब मूड बन गया तो देख सकते हो यहाँ चेकिंग वगैरह भी चल रही है। एंड देख सकते हो ऐसा कुछ रेनोवेशन काफ़ी हो रखा है गंगा बैराज पे। एंड मूड यहाँ पे मूड बनता है, मूड समझ रहा ना, पब्लिक और यहाँ के जो लोग हैं कानपुर निवासी तो उनका मूड होता है ना वो काफ़ी मतलब एकदम चटपटा सा रहता है। देखा देखा देखा, ओहो ओहो भाई साहब, ओहो भाई साहब, ओहो भाई साहब स्टंट करते हैं विदाउट हेलमेट। ओहो ये आहा यूपी 78 और ER 4534। एंड ये है कुछ सीन, आई लव खानपुर का, देख सकते हो गुब्बारे गुब्बारे ही गुब्बारे। एम्बुलेंस बताशी पानीपुरी बेलपुरी वाला आइसक्रीम। तो देख सकते हो क्या आसमान दिख रहा है, आसमान का भी देख सकते हो क्या मौसम है, मतलब हल्की सी धूप निकली हुई है चुलबुली सी। एंड मौसम वेदर क्या हो रखा है देख सकते हो, देख सकते हो भाई साहब। यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ड आउट करते हैं। तो देख सकते हो नताशा, मतलब कि बहुत दिनों से इसकी मतलब साफ़ सफाई नहीं की है एंड बारिश हुई थी ना थोड़ा सा गंदगी हो गई है एंड सर्विस करानी है, 4000 प्लस चल चुकी है, सर्विस भी करानी है। तो देख सकते हो ऐसा कुछ सीन हो रखा है, मतलब सीन देख सकते हो सीन, मतलब पानी एक नंबर लग रहा है देखने में, तो ऐसा कुछ है माहौल। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज की वीडियो में बहुत दिनों बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं हो रहा है मोटो व्लॉग, मतलब काफ़ी दिन से हम बिजी थे अपने पर्सनल कामों में तो व्लॉग वगैरह नहीं शूट हो पा रहा था, तो आज सोचा थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग करते चलूँ एंड आपको रास्तों का नज़ारा देते चलूँ, कैसा क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है। और दिसंबर यानी कि क्रिसमस आने वाला है, आज 22 दिसंबर हो गया एंड क्रिसमस काफ़ी पास है, 3 दिन बाद क्रिसमस आ जाएगा। सो ये प्लान नहीं कर रहा था कि बहुत हो गई छुट्टी, चैनल पे बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया, तो अब सोच रहा हूँ कि नए साल से नए तरीके से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ एंड आप लोगों को कंटेंट देता चलूँ। सो आज का व्लॉग बस ऐसा नॉर्मली आपसे हमारी कुछ बातचीत होगी, नज़ारा दिखाएंगे एंड देख सकते हो ये थोड़ा सा बिठूर का नज़ारा है, आज इस तरफ आए थे थोड़ा सा धूप। सो ठंडियों में कपड़े पहनने का मज़ा, पार्टी करने का मज़ा जो दुगना होता है ना, मज़ा ही मज़ा होता है। और एक्चुअली में राइडिंग जैकेट ठंडियों में पहनने में ज़्यादा मज़ा आती है, और मेरे पास भी वेनम का राइडिंग जैकेट है तो ठंडियों में पहनने में ज़्यादा काफ़ी मज़ा आती है। सो आजकल का सीन ये हो रखा है कि बाइक हमारी चल चुकी है 4127 किलोमीटर एंड बाइक की सर्विस भी करानी है जो कि पेंडिंग में है, सर्विस कराने का सोच रहा था बट आज टाइम नहीं मिला। एक्चुअली में हो गया रखा है कि ठंडी भी हो रही है और कहीं ना कहीं डेली रोज़ जाना पड़ रहा है, तो डेली कहीं निकल जाता हूँ और सर्विस हमारी पेंडिंग रह जाती है। अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड सर्विस हो चुकी है बट उसमें क्या हुआ था कि मतलब बाइक इतना चली नहीं थी तो ऑयल नहीं चेंज हुआ था, तो थर्ड सर्विस में सेकंड सर्विस वाला फील आएगा, मतलब कि ऑयल चेंज होगा, दूसरी टाइम ऑयल चेंज हो रहा है। सो ये वो लोग हैं जो चार्ज हो जाते हैं स्पोर्ट बाइक देखकर। सो देख सकते हो एंड धूप बिल्कुल हल्की से निकली हुई है, ना के बराबर ठंडी भी है, ऑल्दो 19 या 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर।
एंड बस आज का व्लॉग बहुत ही छोटा था, मतलब हमारी और आपकी बातचीत थी बस, और नेक्स्ट टाइम से डेली व्लॉग आएंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड चार्ज कर देना, मतलब लाइक कर देना इस वीडियो को। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया ये लड़का, देना अभी पक्का इस पर मैं देना इसको अभी। देखते नहीं, मतलब जानबूझकर इंप्रेशन जमाने का स्टाइल।